बच्चों, आज अपन कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज भारत अध्याय एक, भारत आकार और स्थिति, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक के आधार पर अब वो चार भागों में, चार बुक हो गई है बेटा। पहले भी अपन सामाजिक विज्ञान में चार ही भाग पढ़ते थे, इतिहास, नागरिकता, अर्थशास्त्र और भूगोल, लेकिन अब इनकी बुक कैसी हो गई है बेटा, अलग अलग हो गई। तो भारत का आकार और स्थिति, भारत विश्व की प्राचीनतम सांस्कृतिक में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास के अद्भुत प्रगति हुई है, मतलब देश का विकास तेजी से बढ़ा है। भारत का विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थिति पढ़ेंगे बेटा। भारत एक विशाल देश है, तो सभी को पता है बेटा कि भारत एक विशाल देश है। उत्तरी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश तक, और इसकी मतलब 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। और इसके मध्य में क्या है बेटा, कर्क रेखा है जो 23 डिग्री 30 इंच उत्तरी से देश के लगभग दो भागों में क्या करती है, बांटती है। भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, और अरब सागर में क्या है, स्थित है। आप अपनी एटलस की सहायता से ये द्वीप समूह का विस्तार देख सकते हो बेटा। इसका आकार, भारत में भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है बेटा, 32.8 लाख वर्ग मीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इससे स्पष्ट है कि भारत विश्व का सातवां बड़ा राज्य, बड़ा देश है। मतलब जो भारत विश्व जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके आधार पर ये है कि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो थल स्थल और समुद्री स्थल दोनों। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। मतलब भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में कैसे पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भाग, भूभाग उत्तर में कैसा है, चौड़ा है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया, मतलब संकरा मतलब छोटा। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आपको चित्र भी दिया है बेटा एक, मैंने नीचे उसमें दिखाया गया है एक मैप में। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 इंच पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानोत्तर माना गया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि का पर पड़ता है। ये नक्शा है बेटा, इसके पहले मैंने बताया था कि आपको देखना है, इसमें आपको कर्क रेखा देखनी है कहाँ है। और भारतीय
भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर से जो पश्चिम में यूरोपीय देशों की ओर पूर्वी एशियाई देशों को, मतलब जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनको मिलाता है। भारत के केंद्रीय मतलब केंद्र को प्रदान करता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है, परंतु संबंध समुद्री मार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर, मतलब जब भी अपन कोई भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो भूभाग ही था, है ना, समुद्री मार्ग का बाद में निर्माण हुआ। उत्तरी पर्वत में अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत, मतलब जब वास्को डी गामा भारत आया था तो कैसे आया था, समुद्री मार्ग से ही आया था, बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। अपन लोग पहले भूभाग से ही व्यापार आवागमन किया करते थे, समुद्री मार्ग का तब अपन को ज्ञात बाद में। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, मतलब अपने संपर्क इन देशों से एशिया तथा दक्षिण एशिया पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार में विभिन्न भागों तक पहुँच सके। भारत में मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत में विभिन्न देशों को ले जाए, मतलब जब भारत से विभिन्न देशों में ले जाए कर जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थल, जयकला, पश्चिमी एशिया की वस्तुओं के प्रति मीनार व गुम्मदों का प्रभाव हमारे देश के लिए विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित हैं। तो कितने केंद्र हैं बेटा, कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित हैं, 9। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता, पाक जलसंधि तथा मानव की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। मालदीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत में भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। एशिया के मानचित्र को देखें और भारत कैसे आपके लिए गृहकार है। बच्चों, भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उनके नाम बताइए। हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति हमें किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ और उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हल करोगे बेटा और कॉपी में लिखो।